श्रम विभाग के कचहरी बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर मजदूरों का आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों ने पहुंचकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया। जिसके संबंध में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यम ने बताया कि जिन मजदूरों का श्रम विभाग कार्ड बना था उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिसकी लिस्ट श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया था। लिस्ट के माध्यम से मजदूरों को कॉल करके बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अभी तक 10 से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, आगे भी कार्ड बनाने का कार्य जारी रहेगा जब तक कि लिस्ट में दिए गए नामों में सबका कार्ड बन नहीं जाता, क्योंकि आयुष्मान भारत का कार्ड बनने से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाने वाले मजदूर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सत्यम ने कहा, लेबर कार्ड से बना रहे हैं ना? शर्मिक मनोज कुमार। किस तरह का कैंप लगाया गया? ये लगा है आयुष्मान कार्ड का श्रम विभाग, ये योजना है जो ये कार्यालय यहाँ पर बन रहा है, कल भी बना था, आज भी बन रहा है, और सभी लोग हम लोग आके कार्ड बनवा रहे हैं। क्या पहले से आप लोग को इन्फॉर्म किया गया था? वहाँ फोन आया था हम लोग के पास, उसी के माध्यम से हम लोग कल आए थे, तो कल सर्वर डाउन हो गया था, तो फिर बोले थे अगले दिन आइएगा, तो आज संडे का दिन है तो बुलाए थे। तब तो श्रमिकों का केवल बन रहा है कि बाकी आने लगा? जिनका फोन जा रहा है श्रमिकों का ही बन रहा है फिलहाल में भी, श्रमिकों के लिए जी कैंप लगा। जी जी, क्या लाभ मिलेंगे इन सब चीज़ों का? इनका आयुष्मान कार्ड से ये लाभ है कि मेडिकलाइज में जो भी होगा उसका लाभ मिलेगा, और हॉस्पिटल में जो भी लोग बीमार रहेंगे उनके बाद ये कार्ड दिखाने पर उनसे उनको छूट मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। मेरा सत्यम नाम है। किस तरह का कैंप लगाया गया? यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया गया है, जिसका लिस्ट में नाम आया है, फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, उन्हीं लोग का हो रहा है। केवल श्रमिकों का? जी। लगभग कितने लोग अब तक बन चुके हैं? लगभग 9-10 लोग का हो चुका है। कुछ लक्ष्य भी रखा गया कितने लोगों को बनाना है? ये हमको नहीं पता।